हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। एक चैप्टर अभी बंद है। मैंने खत लिख किया है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को। कराची की सियासत कैसे हुई, आज न्यूज ने पता लगा लिया। पीएसपी के साथ मुलाकात में इत्तेहाद के लिए दबाव डाला गया। सेफ हाउस में होने वाली मुलाकात में पीटीआई रहनुमा फैसल वाडा भी मौजूद थे। अगर सब ऐसे तो फिर हम सियासत छोड़ देते हैं, फारूक सत्तार के आर्मी चीफ और वजीर आजम को लिखे गए खत के मंदरजात। तो मुझे नजर नहीं आ रहा जब तक अगर कराची का पार्ट टू ना आ जाए। अगर कराची की तरफ एपिसोड आ गया फिर तो शायद मेरे ख्याल में नो कॉन्फिडेंस आ सकता है। कराची में रचाया गया सियासी ड्रामे का पार्ट टू अगर आ गया तो हुकूमत टूटने के इम्कानात मजीद बढ़ जाएंगे। कराची में दोनों अदाकार एस्टेब्लिशमेंट के हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू, कहा असेंबली में तहरीक अदम एतमाद के लिए अभी तक नंबर पूरे नहीं है। शियों का शहर या शहर बेअमा, पुरतशद्दुद वाकयात में 331 शहरी जिंदगी से महरूम। सीपीएलसी ने रवां साल के इब्तदाई 10 माह की रिपोर्ट जारी कर दी। भत्ताखोरी की 55 वारदातें हुई, 10,000 से ज्यादा शहरी मोबाइल फोन से महरूम हो गए। कराची वाले राहजनों के रहमो करम पर एमक्यूएम पाकिस्तान की राबिता कमेटी के साबिक रुकन शब्बीर कायम खानी के घर में डकैती, डाकू नकदी जेवरात और दीगर कीमती अशिया ले उड़े। सिंध की जेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास, स्ट्रीट जमीनों पर कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला, स्ट्रीट क्राइम्स के लिए अलहदा अदालतों के कयाम के लिए कमेटी कायम, हाई प्रोफाइल केसेस बदीन की अदालतों में मुंतकली के लिए चीफ जस्टिस को खत लिख दिया है। सेक्रेटरी दाखिला की ब्रीफिंग। खुशहाल मुस्तकबिल की तलाश, 15 अफराद को मौत की वादी में ले गए। ईरान के रास्ते यूरोप जाने वाले पंजाब के शहरी तुर्बत से अगवा, बुलेट से भून दिया गया, 11 की शनाख्त हो गई। अच्छे मुस्तकबिल की जस्तजू में सैकड़ों अफराद ह्यूमन ट्रैफिकिंग की भेंट चढ़ जाते हैं। ईरान से तुर्की और खौफनाक समंदरी लहरों पर यूनान का सफर, किसी को मंजिल मिलती है से गुजर जाता है। हुकूमत हर बार इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ एक्शन लेने का दावा करती है, इस बार भी वजीर आला पंजाब ने नोटिस ले लिया है। कमेटी बन गई है, क्या कोई नतीजा भी निकलेगा? कोयटा में डीएसपी इन्वेस्टिगेशन की गाड़ी पर फायरिंग, डीएसपी इलियास अहलिया और बेटा और पोता जा बहाक, पोती शदीद जख्मी, रवा हफ्ते में आला पुलिस अफसर के कत्ल का दुख है।
शहर इख्तदार आज भी मफलूज रहा। फैजाबाद में तहरीक अल बैक का धरना, जुड़वा शहरों इस्लामाबाद और रावलपिंडी में राबते मुनकता। आठवें रोज भी शहरी रुल गए, हुकूमत धरना खत्म कराने में नाकाम, रुकावट कौन? तहरीक लब्बैक को कौन स्पॉन्सर कर रहा है पीछे से? अब्बास ने नियाजी भी इसी तहरीक में आएगा और इसका हिस्सा बनकर इस्लामाबाद को यरगमाल बनाएगा, ये मैं आपको पेशगोई कर रही हूँ। इमरान खान नियाजी भी जल्द ही तहरीक लब्बैक के हिस्सा होंगे। चंद लोग इस्लाम के ठेकेदार बनकर आ गए हैं। तहरीक लब्बैक ने आवाम के लिए मुश्किल पैदा कर रखी है, आयशा गुलालई का इल्जाम। वाज़े पैगाम था नायब अदालत को कि नवाज शरीफ को हर कीमत पे सजा देनी है। मैं आज फिर वाज़े तौर पे कहता हूँ कि सजा दी नहीं जा रही, ये दिलवाई जा रही है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज लिया पर तनकीद, कहा पहले से तय था मुझे सजा देनी है, सजा दी नहीं दिलवाई जा रही है। फैसले में वो लफ्ज इस्तेमाल हुए जो मुखालफीन करते हैं। पाक लीग आने वाली है जिसमें 50 से ज्यादा सियासतदानों, अहलकारों और ताजरों के नाम होंगे। नवाज शरीफ को 14 साल सजा होगी। सीनियर कानूनदान आफ्ताब बाजवा की आज न्यूज के प्रोग्राम आज राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू। कुलसुम नवाज की तीमारदारी के लिए एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की एक हफ्ते और मरियम नवाज की एक महीने तक हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मुसलसल गैर हाजिरी पर हसन और हुसैन नवाज इश्तिहारी करार। इस्तगासा के गवाह सिदरा मंसूर और जहांगीर अहमद का बयान रिकॉर्ड। समात 22 नवंबर तक मुलतवी, 4 गवाहान तलब। एहतसाब अदालत में पेशी पर शरीफ फैमिली का शहाना प्रोटोकॉल, हाटो बताएं कारकुनों की वालिहाना नारेबाजी। लीगी रहनुमा बैरिस्टर मोहसिन रांझा का JIT पर इल्जाम, कहा पेशी के दौरान सादे कागजात पर दस्तखत लेकर धमकियां देने की कोशिश की गई। नवाज शरीफ अदलिया पर मुसलसल इल्जाम लगाते रहे हैं जिसका रद्द अमल भी आ सकता है। सेनेटर नैय्यब बुखारी की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। शाही शरीफ खानदान VIP हरबों से ट्रायल को किसी और समत ले जाना चाहता है ताकि करप्शन का मसला फरामोश कर दिया जाए। इमरान खान का ट्वीट, ज्यादातर लोग नवाज शरीफ के साथ नहीं, लीगी खुद को नवाज शरीफ से अलग कर रहे हैं। कप्तान का दावा, कहा इंतखाबात में ताखिर नहीं होनी चाहिए। 30 साल का सियासी जो हिस्ट्री रहा है उसमें हर कंस्पिरेसी जो हुआ है जमहूरियत के खिलाफ, नियाज साहब खुद उसमें शामिल था। बिलावल भुट्टो की साबिक वजीर आजम पर कड़ी तनकीद, कहा नवाज शरीफ ने हमेशा जमहूरियत के खिलाफ साजिशें की। शरीफ के साथ जो सुलूक कर रहा है वो सबके सामने है, कहा पीपल्स पार्टी नून लीग और PTI के केसेस में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। क्वेटा में पुलिस पर हमला, पाक अफगान सरहद पर पाक फौज की चौकियों पर हमलों की मजम्मत। मशरिक वुस्ता के मौजूदा हालात में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए मौसर किरदार अदा आज़म। स्पीकर कौमी असेंबली आया सादिक की ज़ेर सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास। मर्दम शुमारी के नताइज पर नई हल्का बंदियों पर मुशावरत, पीपल्स पार्टी इजलास से खास कल फिर होगा। मौसम की रुत बदले, इस्लामाबाद में रिमझिम के बाद ओले बरस पड़े। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश से खुनकी में इजाफा, पहाड़ों ने भी बर्फ की चादर उड़ ली।
का मौसम और शादियों का सीजन, गोया सोने पर सुहागा। खवातीन की खरीदारी का मिशन शुरू, लाहौर के बाजारों में खवातीन का रश लग गया, जौक शौक से खरीदारी। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुबैना गैर मुल्की फंडिंग से मुतालिक तहरीक इंसाफ के वकील ने तैयार वक्त मांग लिया। चीफ जस्टिस ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। खजाना की मुश्किलात कम नहीं हुई, नैब का इसाफदार के खिलाफ डब्ल्यूएस केस दोबारा खोलने का ऐलान, कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत तहकीकात का आगाज किया है। टैक्स देने वालों के लिए खुशखबरी, इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में एक बार फिर तौसी, गोशवारे 30 नवंबर तक जमा करवाए जा सकते हैं। घर का किचन भी सरकारी खर्चे पर चलेगा, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की रिहायशगाह जाति उमरा को भी वजीर आला पंजाब के कैंप ऑफिस का दर्जा दे दिया गया। साथ ही कैंप ऑफिस के अखराजात के लिए 57,25,00,000 रुपए मुख्तस। सिंध पुलिस में मौजूद काली भेड़ों के खिलाफ किया गया, ग्रेड 17 से ऊपर के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई क्यों ना हुई, सुप्रीम कोर्ट बरहम, बड़े अफसरों को भी घर भेजें वरना छोटे अफसरों को भी बहाल कर देंगे। जस्टिस गुलजार एक्स, सुबाई सेक्रेटरी दाखला और आईजी सिंध, कल सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री तलब। साबिक एमडी के शाहिद हामिद कत्ल केस में अहम मोड़, पुलिस ने एटीसी में मुलजिम महबूब उर्फ गुफरान के वादा मुआफ गवाह बनने की दरख्वास्त दायर कर दी। पसंद की शादी पर लड़के और लड़की के घर वाले चिराफा, मलेरकोट कराची में खूब मारपीट, गिरफ्तार, अदालत का मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। मीरा के लिए लाहौर की अदालत से आई अच्छी खबर, तंसीखे निकाह केस का फैसला मीरा के हक में आ गया, अतीकुर रहमान शादी का सबूत नहीं दे सका, जज के रिमार्क्स, फैसले पर मीरा खुशी से निहाल को गाना भी सुनाया। Every night in my dreams, I see you, I feel you, that is how I know you, go on. पयामे पाकिस्तान की तरह मुल्तान का फैसला भी मुबारक है, मुफ्ती अब्दुल कवी का जमानत पर रिहाई के बाद तबसरा, जेल में गुजरे आयाम को मुतालियाती दौरा करार दे दिया, ये भी कहा कि मुलजिमान के एतराफ जुर्म के बावजूद तफ्तीश को पेचीदा किया जा रहा है। कौमी टीम के फास्ट बॉलर शुएब अख्तर का कहना है कि सियासत में आने का फिलहाल कोई इरादा नहीं, पीएसएल ड्राफ्टिंग में कुछ खामियां जरूर है लेकिन ये पाकिस्तान इसे सपोर्ट करना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को एटमी हमले के अहकाम का इख्तियार होना चाहिए या नहीं, सेनेट की खारजा उमूर कमेटी में बहस, डेमोक्रेट सेनेटर क्रिस मर्फी कहते हैं कि ट्रंप गैर मुतवाजन शख्स हैं, वो अमरीकी मफाद के बरक्स एटमी हमले का हुक्म दे सकते हैं, ट्रंप का ये इख्तियार खत्म पर काम जारी है। बांग्लादेशी मुहाजिर कैंप्स में रोहिंग्या मुसलमानों का अपर हाल, खवातीन को अगवा, अमरीका का रोहिंग्या मुसलमानों के लिए 47 करोड़ डॉलर इमदाद का ऐलान, वजीर खारजा रेक्स टिलरसन रोहिंग्या मुसलमानों पर मजालिम की गैर जानबदाराना तहकीकात कराई जाए।
जिम्बाब्वे में मार्शल लॉ की सी सूरत हाल, दारुल हुकूमत हरारे का कंट्रोल फौज ने संभाल लिया, सड़कों पर गश्त, इक्तदार नहीं संभाला, कार्रवाई जराइम पेशा अफराद के खिलाफ है, सदर मोगबे महफूज है, फौजी तर्जुमान की वजाहत, जिला वतन नायब सदर की भी वतन वापसी, आवाम से पुर अम रहने की अपील।